वेलकम टू माय न्यू व्लॉग दोस्तों, मैं अभी आया हूँ इंडिया गेट। ये देखिए इंडिया गेट है, शाम का टाइम है और काफ़ी गर्मी हो रही है और काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया है यहाँ पे इंडिया गेट में। काफ़ी सजावट है और ये देखिए फाउंटेन। ये देखिए यहाँ इंडिया गेट के आसपास का माहौल ऐसा है। और ये देखिए ये इंडिया गेट के दूसरी साइड का है और ये छोटे छोटे से ये कारें जो हैं रिमोट कंट्रोल वाली कारें हैं। ये लोग यहाँ पे बच्चे इसमें इसको चलाते हैं और ये अपने अच्छे खासे पैसे कमाते हैं यहाँ पे। और ये वाला एरिया इसी तरह की रिमोट कारों के लिए, रिमोट वाली कारें हैं। और ये देखिए अपने लगे हैं लोग, उनका रोज़गार है ये। शाम को जो है ये मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं और ये कुछ औरतें अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रही हैं। ये देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे बच्चों के खेलने का काफ़ी अच्छा खासा इंतज़ाम है और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत मिलती हैं इस साइड। ये इंडिया गेट के दूसरी साइड का वाला एरिया है। यहाँ पे देखिए तो काफ़ी भीड़ हो जाती है शाम को। ये देखिए पान बेच रहा है कोई। और यहाँ पे देखिए काफ़ी रेनोवेशन हो गया, ये पहले नहीं था, ये अभी जल्दी हुआ है। ये आसपास जितना भी ये कंस्ट्रक्शन है ना, ये लाल पत्थर जो लगे हुए हैं, ये पहले नहीं थे, ये अभी जल्दी ही सारा रेनोवेट किया हुआ है। और ये देखिए सबवे बना दिया गया है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये नया सबवे बना, पहले ये नहीं था, ये भी नया बनाया गया है। और ये इंडिया गेट की तरफ, इंडिया गेट की तरफ जाने के लिए नया सबवे बना है। देखिए पहले जो था रोड क्रॉस करते थे, एक्सीडेंट भी हो जाते थे बहुत से, तो अभी इन्होंने जो है ना बिल्कुल सब बदल दिया। अभी यहाँ सब एक जैसा लगेगा आपको। यहाँ से अपने नीचे जाइए सबवे में और दूसरी तरफ इंडिया गेट की तरफ निकल जाइए। दोस्तों इंडिया गेट के पास बन गया, पहले नहीं था ये, अभी नया बना है। इंडिया गेट दिख रहा जी। देखिए मेरे पीछे ये नया फाउंटेन बना है और काफ़ी खूबसूरत है, पानी देखो काफ़ी ग्रीन ग्रीन लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ज़बरदस्त सीन है, काफ़ी चहल पहल है। छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खी का सबसे टॉप में। देखिए एक्चुअली इंडिया गेट ऑल इंडिया वार मेमोरियल के रूप में जाना जाता है, या आप इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कह सकते हैं। इस रोड का नाम भी राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है, जिसपे
ये इंडिया गेट मौजूद है। इंडिया गेट की हाइट करीब 43 मीटर है और यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। इसे ब्रिटिश टाइम में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिज़ाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रम्प से प्रेरित है। इसे 1931 में बनवाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 इंडियन इंडियन जो सैनिक थे उनकी याद में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर फर्स्ट वर्ल्ड वार और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों समेत करीब 13,300 सैनिकों के नाम इस गेट पर खुदे हुए हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह मेमोरियल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था, तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी। जो ये आप छतरी देख रहे हैं, इसके नीचे जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। ये कोरोनेशन पार्क आपको बुद्धा जयंती पार्क, एक है बुद्धा पार्क जो रिज रोड में है, वहाँ पे आपको एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये मूर्ति। यहाँ से वो निकाल के वहाँ जितने भी अंग्रेज़ों की मूर्तियाँ यहाँ लगी थीं उनको सबको निकाल के उस कब्रिस्तान के अंदर लगा दिया गया था। और ये छतरी जब से खाली पड़ी हुई थी, मगर 2022 में 8 सितंबर को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का उद्घाटन किया था, जो आप ये देख रहे हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ। ये भी नई बनी है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है अभी जल्दी। और आप ये देखिए, इंडिया गेट के नीचे अब कुछ भी, कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। पहले इसके नीचे अमर जवान ज्योति का स्मारक बना हुआ था और उसमें आपने देखा होगा एक अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर एक फौजी की टोपी लगी हुई थी और जिसके चारों ओर पर एक ज्योति जो है जलती रहती थी। और इस अमर जवान ज्योति पर हर साल प्रधानमंत्री व तीनों सेना अध्यक्ष जो थे अपने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते थे। मगर अब ये देखिए, वो हटा दी गई है और सामने वार मेमोरियल में उनको लगा दिया गया है। जो देखिए, जो इनकी नेताजी की मूर्ति के बैक साइड में एक बड़ा सा वार मेमोरियल बना दिया गया है और इसको उसके साथ विलय कर दिया गया है। तो अब आप देखेंगे तो ये जो अमर जवान ज्योति थी आपको वहाँ नज़र आएगी, जो मैं दिखा रहा हूँ। ये डिजिटल मेमोरियल वार मेमोरियल है और उसमें जो है ना लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। दोस्तों, ये वही वार मेमोरियल है जो पहले अमर जवान ज्योति थी ना, जो इंडिया गेट के नीचे, तो ये उसी अमर जवान ज्योति को इसके अंदर विलय कर दिया गया है। ये वार मेमोरियल जो दिख रहा है, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आप सभी आगंतुकों को अवगत कराना चाहते हैं कि कुछ ही समय में आप नेक्स्ट टॉकिंग समारोह को देखेंगे, जिसके द्वारा श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्वर्गीय लांस नायक कुलदीप राव सशस्त्र सेनाओं के वीरगति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। आपसे निवेदन है कि समारोह के बात कर।
belong to the 6th Battalion of Gokra Regiment. यहाँ समारोह चल रहा था, कोई श्रद्धांजलि दी जा रही थी, कोई सैनिक शहीद हो गया था, उसकी वाइफ यहाँ पे आई थी अपना श्रद्धांजलि देने के लिए अपने पति को। बड़ी भीड़ हो रही थी यहाँ पर, ये भी एक नया है, पहले नहीं था, ये नई अमर जवान ज्योति मिले, चेंज हो गया है, यहाँ पे बदल गया है सब कुछ। शाम हो गई है, अब सब तो दोस्तों ये था इंडिया गेट, और काफ़ी कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे, काफ़ी नया बन गया है, काफ़ी सजा दिया गया है इसको, नई नई चीज़ें बना दी गई हैं, काफ़ी डेकोरेट हो गया है। तो ये कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप कमेंट्स करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।